नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से हम आज आपके बीच में उपस्थित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौप्रवेशी छात्र छात्राएं जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार दाखिला ले रहे हैं, उनके लिए कुछ जानकारियां आपके बीच में मैं प्रेषित कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बाद वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ हमेशा आप इससे बने रहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो फॉर्म है उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है और आने वाले समय में जो आपकी प्रवेश प्रक्रिया है, जो प्रवेश परीक्षा है, वो अपने निर्धारित समय पर होगी, यानी कि 20 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में आपकी सारी प्रवेश प्रक्रियाएं संपन्न होंगी। इसके साथ साथ अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं तो आप किसी भी युद्ध को लड़ने जाते हैं तो उसके युद्ध के पहले की जितनी जानकारियाँ हैं, जितनी भी रणनीतियाँ हैं, आप उसको बनाते हैं। तो रणनीति बनाने के लिए सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन कितने लोगों से है और कितनी सीटों पर है। तो आज हम आपसे बात करने आए हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं किस कोर्स में। स्नातक यानी कला संकाय से मैं भी हूँ, तो सबसे पहले बीए की ही बात होती है क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए की बहुत सारी सीटें हैं और मैं सिर्फ मेन कैंपस की बात करूँगा। कॉलेज में तो आपका एडमिशन वैसे भी हो जाएगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य भवन है हम उसकी बात करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए कोर्स में यानी कि स्नातक बीए में कला संकाय में कुल मिला के 4600 सीटें हैं, 4600 सीटें हैं। अब आप इससे रिजर्वेशन भी लगा लीजिए। रिजर्वेशन का मतलब है कि आप खुद से डिसाइड कर लीजिए कि 40% अनरिजर्व रहती हैं, 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि EWS की सीटें रहती हैं रिजर्व। इसके साथ साथ OBC की 27% सीटें रहती हैं और SC और ST की और अदर में जो भी सीटें आती हैं वो उनका आरक्षण रहता है। तो इस वजह से 4600 सीटों में अगर आप उसका 40% निकालेंगे तो आपको जनरल की सीटें उसमें मिल जाएंगी। तो इस तरह से बीए में कुल मिला के 4600 सीटें हैं मेन कैंपस में, साथ ही साथ कॉलेजेस को मिला के कुल मिला के 10,000 सीटें पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं। ये आपका बीए का हो गया सीट। इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी की सीट पर। बीएससी में कुल मिला के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1154 सीटें मेन कैंपस में हैं। मेन कैंपस में 1154 सीटें यानी 1154 सीट्स इन मेन कैंपस इन बीएससी कोर्स। तो 1154 सीटें हैं तमाम तरीके से, अलग अलग बीएससी बायो, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी तमाम तरीके से जो भी कोर्सेज चलते हैं यहाँ पे, उसमें कुल मिलाकर 1154 सीटें हैं। तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं बीकॉम पर। तो बीकॉम की मेन कैंपस में कुल मिला के 723 सीटें हैं, 723 सीट्स हैं। अब 723 में आप अपने तरीके से हिसाब लगा लीजिए कि 72 सीटें हो जाएंगी EWS की, उसके बाद 27% सीटें OBC की हैं, 7×14 फिर 40 कुल मिला के लगभग 100। तो आरक्षण के हिसाब से आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए कि 40% जनरल का, 10% EWS का, 27% OBC का, तो आप अपने डिवाइड कर लीजिए। तो मोटे मोटे तौर पे 723 सीटें मेन कैंपस में हैं बीकॉम की। इसके बाद हम बात करते हैं LLB की। LLB के लिए बहुत मारामारी चल रही है, आप ये जान लीजिए, एक सीट पर 8 लोगों की लड़ाई है, यानी कि कुल मिलाकर LLB में मेन कैंपस में 375 सीट है और फॉर्म बहुत भरे गए हैं। तो एक सीट पे 8 लोगों की मारामारी चल रही है, तो यही कोशिश करिएगा कि आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी करिएगा। मेन कैंपस में LLB की कट ऑफ पिछले साल बहुत हाई गई थी, 375 सीटें हैं मेन कैंपस में। इसके साथ साथ कॉलेजेस में भी सीटें हैं CMP और ADC में, तो LLB में 375 सीट्स हैं। अब बात करते हैं BLLB पे। BLLB में भी बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन यहाँ पर रहता है। कुल मिला के मेन कैंपस में BLLB की 150 सीटें हैं, 150 सीट्स हैं, तो इसकी भी कट ऑफ मुश्किल से बहुत कम ही गिरती है। तो मेहनत आपको करनी होगी और एक सेवा और समर्पण के साथ साथ आपको इसमें आना होगा। अब हम बात करते हैं PG की सीटों पर। तो PG के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग सीट्स होती है PG की, जैसे MA की, MSc की, MCOM की, तो मैं वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मोटे मोटे तौर पे आप ये जान लीजिए, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो UG के, जैसे MBWOC हुआ, मास कम्युनिकेशन हुआ, मीडिया स्टडीज़ का कोई कोर्स हुआ, JK इंस्टीट्यूट में जो भी कोर्सेज होते हैं, तो उनकी लगभग 40 से 50 सीटें हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक कोर्स में होती हैं। 40 से 50 सीटें जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी IP से, मतलब मास कम्युनिकेशन से जो भी बिलोंग करते हैं, उनकी भी 40-50 सीटें नॉर्मल तरीके से रहती हैं। तो आपके लिए इतनी जानकारियाँ थी। बाकी PG के कोर्सेज के लिए हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। एक पूरे वीडियो में आपको अलग अलग विषय की कितनी सीट्स हैं PG की, वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो मोटे तौर पर आप ये जानिए कि पढ़ाई लिखाई करते रहिए, इंट्रेंस परीक्षा आपके बहुत नज़दीक है
और आखिरी 10 दिन में आप अच्छा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा गेन करेंगे नंबर, अन्यथा फिर बहुत चूक हो जाएगी। एक एक नंबर कट ऑफ जब गिरती है और जब कट ऑफ में आपका नाम नहीं आता तो दिल में क्या बीतती है वो हमसे और आपसे ज़्यादा कौन अच्छी तरीके से जान सकता है, क्योंकि उसी स्थिति उसी परिस्थिति में सारे छात्र रहते हैं। अगर आप कट ऑफ से 2 नंबर भी पीछे रहते हैं तो फिर जो मानसिक स्थिति आपकी रहती है वो बयां नहीं की जा सकती। तब आपके दिमाग में आता काश एक सवाल और सही हो जाता। माइनस मार्किंग बिल्कुल है नहीं, एकदम निश्चिंत होकर खूब जम लगा के एकदम मेहनत जी तोड़ मेहनत करिए जिससे कि आपका नंबर बहुत अच्छा आए और आपको फिर इंतज़ार न करना पड़े, पहली दूसरी तीसरी कट ऑफ में आपका एडमिशन हो जाए। खासकर जनरल के जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो खास तौर से और भी अच्छा मेहनत करें, क्योंकि बहुत हाई मेरिट जाती है और आपकी मेरिट बहुत संभावना कम रहती है नीचे गिरने की, तो आपको विशेष तौर पर अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी आवश्यक सूचनाएँ मुझे लगेंगी कि आपको बताना बहुत आवश्यक है मैं आपके बीच में आके आपको बता दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।